लॉकडाउन करने के बाद जब लॉकडाउन किया गया था वो देट वॉज ए लर्निंग एक्सरसाइज। उस लॉकडाउन से जो भी सीख मिली इतने महीनों के बाद, ये सीख मिली कि भाई जो लॉकडाउन से आपको बेनिफिट लेना है वो तो मास्क के भी ले सकते हैं आप। दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बेड्स की पोजीशन है 8700 बेड ऑक्यूपाइड हैं और लगभग 7900 बेड्स अवेलेबल हैं। कल दिल्ली में 3235 पॉजिटिव केस आए और 7606 लोग रिकवर किए, 95 डेथ थी। तो अब लॉकडाउन करने के बाद जब लॉकडाउन किया गया था वो देट वॉज ए लर्निंग एक्सरसाइज। उस लॉकडाउन से जो भी सीख मिली इतने महीनों के बाद, ये सीख मिली कि भाई जो लॉकडाउन से आपको बेनिफिट लेना है वो तो मास्क के भी ले सकते हैं आप। लॉकडाउन के बावजूद भी जिस टाइम लॉकडाउन किया गया कुछ 100 केस पूरे देश में थे, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हजारों में पहुंच गए। आज वो उतने केस जितने की लॉकडाउन पूरे उससे ज्यादा एक दिन में आ जाते हैं। तो लॉकडाउन करने से इसको कंटेन किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता संभव। ये जो वायरस है इस वायरस को रोकने के लिए आपको देखो सबसे कम पॉजिटिविटी कहां पर है, जो कोविड हॉस्पिटल है। कोविड हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स को सबसे कम पॉजिटिविटी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं। जो सबसे ज्यादा खतरनाक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनको सबसे कम पॉजिटिविटी, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप भी प्रोटेक्ट कर लीजिएगा तो प्रोटेक्शन इज सफिशिएंट। आप लॉकडाउन के बावजूद भी घर से कोई ना कोई तो निकल रहा है, अगर वो घर में वायरस लेके आ गया तो सबको हो सकता है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में खासकर लगभग 20 अक्टूबर के बाद से केसेस बड़ी तेज़ी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं। तो बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले दो दिन में 500 ICU बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 ICU बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और ICU बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैप मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में, तो उससे हम दिल्ली सरकार के भी फैसिलिटीज़ के अंदर नए ICU बेड्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट्स किए जा रहे हैं, अभी लगभग 60,000 टेस्ट हम लोग डेली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 1,00,000-1.25 लाख तक हमें इन टेस्ट्स को डेली बढ़ा के ले जाना है, जिसमें ICMR ने एश्योर किया है कि वो जो भी व्यवस्थाएं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी अपनी एकदम कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, तो केंद्र सरकार की जो वो है वो उसमें हमें मदद मिलेगी।